वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास सेकंड के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 15 पढ़ाऊंगी, जो कि पेज नंबर 96 पर है। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 96 खोलेंगे। चैप्टर का नाम है एक की और दो की, और इस चैप्टर को लिखा है संध्या राव ने। तो बच्चों, सबसे पहले हम चैप्टर के नाम को स्पेलिंग से पढ़ लेते हैं, ताकि एग्ज़ाम के लिए मात्राओं की पक्की रिविज़न हो सके और लिखते समय हमारी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो सभी बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे। छोटा ए, आधा का में बड़ी ई की मात्रा की, एक की। दा में छोटे ओ की मात्रा दो, आधा का में बड़ी ई की मात्रा की, दो की। दो बहनें थीं, एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। समझ में आया कि दो बहनें थीं, एक बहन का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और अब्बा के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थीं। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक ही बुलाते थे। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दो की बुलाते थे। समझ में आया, एक की का एक बाल था और दो की के दो बाल थे, और वो घमंडी थी बहुत ज़्यादा। अम्मा सोचती थी कि दो की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में हो ही नहीं सकती, और बाबा उनको तो सोचने की फुर्सत ही कहाँ। काम में जो बेचारे उलझे रहते थे, इसलिए उन्हें सोचने की फुर्सत ही नहीं थी। दोकी हमेशा अपनी बहन पर रोब जमाती रहती थी, क्योंकि वो बहुत घमंडी थी, क्योंकि उसके दो बाल थे। एक दिन एक की घने जंगल में गई। चलते चलते वे घने जंगल के बीच आ पहुंची, और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। समझ में आया कि एक की एक दिन घने जंगल में पहुंची, और चलते चलते वो घने जंगल के बीच आ पहुंची, और चारों तरफ कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। एक की रुकी, उसने चारों तरफ घूम कर देखा, वहाँ तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। क्या देखा एक की ने, कि पहले तो वहाँ पर कोई नहीं था, फिर उसने ध्यान से देखा तो एक तरफ सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की झाड़ी थी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। पास में ही पानी की एक धारा, यानी कि पानी बह रहा था। एक की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार दो बार कई बार झाड़ी के ऊपर डाल दिया, और उसकी प्यास बुझाने की कोशिश की। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। एक्की आगे बढ़ गई, फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। जंगल में जब वो थी सन्नाटे में, तो अब उसे जब उसने मेहंदी के पौधे को पानी पिलाया, तो जब वो आगे चली तो उसे एक और आवाज़ सुनाई दी कि मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। एक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। क्या देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को भी खोल दिया। गाय बोली, धन्यवाद एक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। एक्की अब चलते चलते थक गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे अब क्या करें और कहां जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। एक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। एक्की तो हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत थक गई थी, उसे थोड़ा आराम करने को मिल गया था।
बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो और फिर हम खाना खाएंगे। एक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। एक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? एक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। एक्की इतनी खुश हुई कि वे खाना ही नहीं खा सकी खुशी के मारे, क्योंकि अब उसके सर पर बहुत सारे बाल उग गए थे। एक्की इतनी खुश हुई कि खाना ना खा सकी, बस बार बार वे बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। क्योंकि एक्की ने दुआएं वाले काम किए थे, इसी वजह से बूढ़ी को शायद कोई जादू वगैरह पता होगा, क्या पता था। तो इस वजह से उसने जैसे ही उसके तेल लगवाया और तौलिए से उसने बाल पोछे तो उसके बहुत सारे बाल उग गए थे सर पर। एक्की के तो जैसे पंखे निकल आए, वे सरपट घर की तरफ दौड़ी। रास्ते में उसे गांव गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर एक्की ने अपनी माँ को, अपने घर के लोगों को सारी कहानी सुना दी। दोग की कहानी सुनते ही सीधी जंगल की तरफ भागी। दोग की इतना तेज भाग रही थी कि ना उसने प्यासी झाड़ी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनी, क्योंकि वो तो एक मतलबी लड़की थी। वो तो सिर्फ एक अपने मतलब के लिए भाग रही थी। उसने रास्ते में किसी की भी मदद नहीं की। वे तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। अम्मा बोली, हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दोग्गी से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोग्गी ने तौलिया सर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। दोग्गी के तो दो ही बाल थे, वो भी जड़ गए। रोते रोते दोग्गी घर की तरफ चलने लगी, क्योंकि देखो दोग्गी ने तो रास्ते में किसी की मदद नहीं की थी, तो बूढ़ी अम्मा ने उसकी भी मदद नहीं की और जो दो उसके बाल थे वो भी नहाने के बाद झड़ गए। रास्ते में उसे गाय ने भी सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने उसके कांटे चुभो दिए। मगर अब दोग्गी अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद एक्की दोग्गी अपने अम्मा अब्बा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। एक्की ने कभी भी अपने बालों पर थोड़ा भी घमंड नहीं किया और दोग्गी भी अब सबक सीख गई थी, तो वो भी अब चारों ही साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे थे। अब ये बच्चों पेज नंबर 102। क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि एक्की और दोग्गी उनके घर आने वाली हैं? तुम्हें ये बात कैसे पता चली? तो बच्चों इसका आंसर लिखोगे कि पहले का आंसर है फर्स्ट, ठीक। तो यहाँ पर आप लिखना कि हाँ, बूढ़ी अम्मा को पता था कि एक्की और दोग्गी आने वाली है। ये इस बात से जाहिर होता है कि अम्मा ने उनसे कहा कि वे उनकी राह देख रही थी। यहाँ पर लिख देना उनसे। अब प्रश्न दो है, दोग्गी का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? तो जवाब लिखोगे, दोग्गी बड़ी तेजी से और अपनी धुन में अम्मा की झोपड़ी की तरफ भाग रही थी, इसलिए उसका ध्यान मेहंदी की झाड़ी और गाय पर नहीं गया। तीसरा प्रश्न है, एक्की ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? तो एक्की ने अपने चुल्लू में पानी भरकर कई बार झाड़ी पर डाला और उसकी प्यास बुझाई। फिर उसने घास भूस इकट्ठा किया और भूखी गाय को खिलाया। उसने गाय के गले से रस्सी भी खोल दी। तो तीनों ही क्वेश्चन आंसर हैं यहाँ पर, पहला, दूसरा और तीसरा, तो तीनों ही लिखे हुए हैं। तो आप इसे अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे। अब है मेहंदी।
मेहंदी की झाड़ी ने एकी को लगाने को मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी किस तरह से तैयार की जाती है, इसका क्या तरीका है? तो पहले मेहंदी की झाड़ी से पत्ते तोड़ो। पत्ते तोड़ने के बाद उन्हें अच्छी तरह से धोकर उन पत्तों को पीसकर पेस्ट बना लें। फिर पेस्ट हाथों या सर पर लगा सकते हैं। बिल्कुल इजी सा तरीका है। आगे है, मेहंदी जब रचाई जाती है तब उसका रंग गाढ़ा हो जाता है और धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। तो किन किन चीज़ों का रंग है जो कि फीका पड़ जाता है? जैसे कि मेहंदी का, सूती कपड़ों का कुछ समय बाद रंग फीका पड़ जाता है। इसी तरह से घर की दीवार पर किया गया पेंट भी कुछ सालों बाद फीका पड़ने लगता है। इसी तरह से कॉपी पर पेंसिल से लिखे अक्षर आप देखेंगे, पुरानी कॉपियाँ निकाल के, तो वो आहिस्ता आहिस्ता धुंधले होने लगते हैं। तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट लेकर याद से लिख देना। अब यहाँ पर बोला है कि नीचे दी गई जगह में अपनी हथेली रखो, इसके चारों ओर पेंसिल फिराओ जैसे मैंने किया है, और फिर इस तरह से उसमें कोई भी आपको मेहंदी का डिज़ाइन बनाना है। आगे है, कहानी में दो बहनों के नाम उनके बालों की संख्या पर लिखे थे। तो यहाँ पर लिखो बालों की संख्या लिखी है, उनके नाम लिखने हैं आपको। जैसे कि बालों की संख्या थी एक, तो उसका पूरा नाम था एक केस वाली और छोटा नाम था एक की। इसलिए जिसके दो बाल थे उसका नाम था दो केस वाली और छोटा नाम था दो की। इसी तरह से है यहाँ पर सो, तो इसका नाम था पूरा नाम सो केस वाली और छोटा नाम था सो की। जिसका एक भी बाल नहीं था वो थी बिना केस वाली यानी कि गंजी, या आप इसको टकली भी लिख सकते हैं, या गंजी या टकली, जो भी दिल चाहे आप अपनी मर्जी से लिख देना। पेज नंबर है 104। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, हर वाक्य में एक मोटा शब्द है, ये रहा। देखो जैसे सन्नाटा, फुर्सत, सरपट, मुरझा, तो इनकी मदद से तुम अपने मन में सोचकर वाक्य बनाओ और कक्षा में बताओ। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था, बाबा को सोचने की फुर्सत ही कहा, काम में जो उलझे रहते थे। वे सरपट घर की तरफ दौड़ी चली गई, मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई। तो देखो यहाँ पर मैंने सारे ही सेंटेंस लिख रखे हैं। पहला है, रात को गलियों में चारों ओर सन्नाटा था, फुर्सत परीक्षा में किसी भी बच्चे को खेलने की फुर्सत नहीं मिलती, सरपट कुत्ते को देखते ही बिल्ली सरपट भागी, मुरझा तेज धूप में गुलाब का फूल मुरझा गया। तो आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर इजीली लिख सकते हो। नेक्स्ट है, एक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एक्की गाय और पेड़ नाम वाले शब्द हैं। देखो इन शब्दों से किसी का नाम का पता चलता है, जैसे कि एक की गाय और पेड़। देखा और बंधी क्या है? काम वाले शब्द हैं। इन शब्दों से काम का करना या होना पता चलता है। तो आपको नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द कहानी से छांटकर लिखने हैं। तो नाम वाले शब्द कौन से हैं? एक की, दो की, अम्मा, बाबा और गाय। इसी तरह से काम वाले शब्द बुलाती, कहना, बैठना, पहुंची, देना, ये सभी क्या है? काम वाले शब्द हैं, ऐसे शब्द जिससे किसी भी काम का करना जाहिर होता है। तो बच्चों ये लास्ट चैप्टर था। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना।